हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्रेजी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, 3 एंड लास्ट लेक्चर है। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्लास्टिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, टाइप ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक एंड प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। ये सारे टॉपिक जो है हम स्टूडेंट कवर करने वाले हैं और पूरा चैप्टर हमारा इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपने चैप्टर 1 और लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक मोनोमर्स से बनने वाले, हम यहाँ पर आएंगे, पहले हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोनोमर्स से बनने वाले पॉलीमर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉलीमर्स में मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो सेम नहीं होता, यानी डिफरेंट जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, यानी एक जैसा नहीं होता है। कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनमें मोनोमर्स का अरेंजमेंट एक स्ट्रेट चेन में होता है, तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके के प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मो, ठीक है, क्या लिखते हैं, थर्मो प्लास्टिक। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा कि जो प्लास्टिक है वो मोनोमर्स से बनने वाले मोनोमर्स, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल्स यानी से बनने वाले डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, और उनमें जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है हर एक में एक जैसा नहीं होता है और सब में जो है वो डिफरेंट होता है, तो जिनमें जो अरेंजमेंट है यानी मोनोमर्स का जो अरेंजमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है उसको हम लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं, और इस तरीके के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा। अब दूसरी चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर ए था, इसको ए कर देते हैं, कि सबसे पहले जिन्होंने जो मैन मेड प्लास्टिक जिन्होंने बनाया, तो सबसे पहले तो मैन मेड जो प्लास्टिक है वो 1862 में बनाया, और जिनको बनाने वाले थे अलेक्जेंडर पार्क्स। ठीक है, यस, ठीक है, और उन्होंने इसको नाम दिया, किसको नाम दिया, जो इन्होंने प्लास्टिक तैयार किया था, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको एक आईएमपी चीज याद रखने होती है। और कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं बच्चों जिनमें मोनोमर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्रॉस लिंक्ड होता है, एक दूसरे से जो है वो क्रॉस लिंक्ड रहते हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। और इस तरीके के जो प्लास्टिक है, इस तरीके से जो बनने वाले प्लास्टिक है उनको बोलते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, चले आगे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है लाइट वेट, सेकेंड है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्ड है रेजिस्टेंस टू केमिकल, फोर्थ है नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिफ्थ है लास्टर एंड कलरफुल, एंड सिक्स वन है हम नॉन कंडक्टर। तो वन बाय वन हम इसको एक एक करके जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ेंगे, हम लाइट वेट। तो सिंथेटिक प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक, जो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल आर वेरी लाइट वेट इसके कंपैरिजन में नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल की तुलना में। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए आप कि एक प्लास्टिक का मग है और यहाँ पर है जो है एक स्टील का मग है। ठीक है, तो दोनों में जो हल्का होगा वो लाइट वेट होगा, वो यहाँ पर ये होगा लाइट वेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सिंथेटिक प्लास्टिक कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वेट विदाउट ब्रेकिंग। तो यहाँ पर अगर हम इसमें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें कुछ 2 kg का वेट डालते हैं और इसमें भी हम 2 kg का वेट डालते हैं, ये पेपर बैग है, इस तरीके से हम कॉटन बैग और
जूट बैग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पेपर बैग है और इसमें भी हम 2 kg का सामान डाल देते हैं, तो ये अपने अंदर बहुत सारा सामान होल्ड करके रख सकता है, लेकिन ये जो है ये टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल कुछ और लें, तो हम एग्जाम्पल में लेते हैं एक कॉटन का थ्रेड ले लूँ, कॉटन थ्रेड, ठीक है, घरों में पड़ा रहता है। और दूसरा हम प्लास्टिक ले लेते हैं, और जब हम क्या करेंगे इसके बाद, इनके ऊपर अगर हम वेट डालेंगे इन थ्रेड्स के ऊपर, तो हम देखेंगे कि जो प्लास्टिक का थ्रेड है वो नहीं टूटेगा, ठीक है, उतने ही वेट में प्लास्टिक कॉटन का जो थ्रेड है वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस टू केमिकल। सिंथेटिक प्लास्टिक को आसानी से कोई भी केमिकल प्रभावित नहीं कर सकता, जैसे कोई अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कालीज की, तो ये जो है प्लास्टिक को आसानी से अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका ये भी एक जो है वो गुड पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो जो सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी आसानी से ये गलते सड़ते नहीं है, ये एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरल प्लास्टिक की तरह ये श्रिंक भी नहीं होते, सिकुड़ते भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्टर एंड कलरफुल की, तो सिंथेटिक जो प्लास्टिक होते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल बहुत ज़्यादा शाइनी और ब्राइट होते हैं, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें अपने मनपसंद का कोई भी कलर, कोई भी मटेरियल तैयार किया जा सकता है, जिस कारण लार्ज वैरायटी में ये इस तरीके के जो प्लास्टिक है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कंडक्टर, तो प्लास्टिक जो है वो हीट एंड सिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जिस पर वाटर एंड ऑयल ये जो है वो स्टिक नहीं होता, नहीं चिपकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं उसमें भी इसकी कोटिंग की जाती है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन एक और चीज़ मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा, इसलिए फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है वो सिंथेटिक फाइबर के कोट की जाती है, यानी उसको कोटेड होती है, यानी उसको ऊपर से कोट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक टाइप अभी जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे, आगे हम बड़ी क्लासेस में और भी पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक हमारे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक की, तो जैसा हम पहले भी पढ़ चुके बच्चों कि इस तरह के प्लास्टिक में मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लीनियर होता है। ज़्यादा हीट होने पर ये पिघलने लगते हैं और उस दौरान उन्हें कोई भी शेप जो है वो दी जा सकती है, अपने डिज़ायर शेप में इनको चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर माने पॉलीथीन लिया जा सकता है, PVC लिया जा सकता है, नायलॉन लिया जा सकता है, इसके अलावा पॉलिस्ट्रीन लिया जा सकता है, टेरिलीन लिया जा सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो इस तरह में प्लास्टिक के मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस तरह के प्लास्टिक हीट यानी होने पर मेल्ट नहीं हो पाते, तो जिस कारण इन्हें डिज़ायर शेप में भी नहीं ढाला जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बैकेलाइट एंड मेलामाइन, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो हीट एंड अगर हम बैकेलाइट की बात करें तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर है, और इसका इस्तेमाल हम स्विचेस बनाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं जिससे हम लाइट्स ऑन एंड ऑफ करते हैं, स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो उससे स्विचेस बनाए जाते हैं, कुकिंग के यूटेंसिल के ये जो हैंडल होते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए किया जाता है। और मेलामाइन हमने पहले भी पढ़ा है कि
और प्लास्टिक दूसरे प्लास्टिक की तुलना में ये हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, जिसमें इससे किचन वेयर तैयार किए जाते हैं और फायरमैन की यूनिफॉर्म तैयार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। जैसे कि हम जानते हैं पॉलीथीन जो कैरी बैग है वो इंडिया में पूरी तरह से बैन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं चोरी छुपे जो है लोग इसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हमें ये वाले बैग की जगह आप ये तो हल्के फुल्के बैग होते हैं कॉटन बैग और जूट बैग जो है वो ले जा सकते हैं। और अगर हमको शॉपकीपर ज़बरदस्ती कोई मतलब सामान उसमें पैक करके दे, ज़बरदस्ती तो क्यों देगा, लेकिन अगर आप लेने से मना करोगे तो नहीं करेगा। तो अगर शॉपकीपर हमें कोई सामान उसमें पैक करके देता है तो उसको हमें मना करना है, हमें वो बैग नहीं लेना है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं सिंथेटिक फाइबर हीट एंड केमिकल जैसे एसिड और एल्कालीज रेजिस्टेंट होते हैं, जिस कारण इसकी ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात अच्छी बात इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन कर पाते हैं, जिस वेट होल्ड कर सकते हैं उसके कारण, और आसानी से इनको मतलब ये ब्रेक नहीं होते हैं। दूसरी ये है कि ये बुरी बात यह है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करते हैं, क्योंकि जब ये प्लास्टिक को हम डंप करते हैं ना तो ये डिकम्पोज होता है नेचुरल तरीके से, नेचुरल तरीके यानी बैक्टीरिया उसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड की है। ये प्लास्टिक का जो इस्तेमाल हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो नेचुरल एक्शन से डिकम्पोज हो जाता है जैसे हमने पहले पढ़ा, उसको बोलते हैं बायो डिग्रेडेबल। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो नेचुरल एक्शन यानी बैक्टीरिया उसे आसानी से डिकम्पोज कर देता है उसको बोलते हैं बायो डिग्रेडेबल। जैसे हम जानते हैं कि हमारे किचन में बहुत सारा स्टफ़ होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट के यहाँ पर देखते हो आप फ्रूट के छिलके हो गए, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डीकम्पोज कर देते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल को आसानी से जो ऐसे मटेरियल जो है वो आसानी से डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा मटेरियल जो आसानी से डीकम्पोज नहीं होता है यानी नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस अगर हम बार बार बात कर रहे हैं नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया उसको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाता है, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल। ठीक है, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है उसको बोलते हैं बायो डिग्रेडेबल, और जो आसानी से नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वही प्लास्टिक बैग हो गया, प्लास्टिक बकेट हो गई, प्लास्टिक रैपर्स हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल है नॉन बायो डिग्रेडेबल के। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक कैरी बैग या दूसरे प्लास्टिक से जो चीज़ें बनती है जैसे प्लास्टिक के रैपर्स हो गए, जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्लास्टिक है ये क्या होता है, अगर किसी ड्रेनेज पाइप में फंस जाए या जहाँ से पूरे शहर का गंदा पानी बाहर जा रहा है शहर से, तो अगर ऐसे ड्रेनेज सिस्टम में फंस जाए तो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद ये जो वाटर है ये सिटी में बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है आवारा जो जानवर होते हैं वो फूड खाते समय प्लास्टिक भी अगर खा ले तो पॉलीथीन जो है ना, तो पॉलीथीन जो है वो उनकी इंटेस्टाइन में फंस जाती है जिससे उनकी डेथ तक हो जाती है। प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, और अगर प्लास्टिक को जलाया जाए तो उस दौरान ये बहुत ही हार्मफुल गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मेजर टू कंट्रोल डैमेज। तो हमें प्लास्टिक जो रैपर्स है रोड पर या इधर उधर यार कहीं पर भी नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि इससे अगर जानवर खाए जैसा अभी हमने पढ़ा तो उनको नुकसान होगा, या उड़ते हुए सिटी के ड्रेनेज सिस्टम में फंस जाए तो हमें प्रॉब्लम होगी, शहर का पूरा गंदा पानी फिर सड़कों में आएगा। ठीक है, घरों से जितना भी गंदा पानी निकलता है ठीक है ये सब हमारे शहर को और ख़राब कर देगा। ठीक है, तो बायो डिग्रेडेबल या इसको थोड़ा सा आगे करते हैं,
तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए। अभी तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें पहले ही ये डस्टबिन प्रोवाइड करवा चुकी है ग्रीन एंड ब्लू कलर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर के डस्टबिन में हमको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है एंड ब्लू बिन में हमको क्या क्या कलेक्ट करना है। इसके अलावा बच्चों अगर हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें अपने साथ कॉटन और जूट के बैग्स जो है इस तरीके के रखने चाहिए, और जिससे प्लास्टिक का यूज़ जो है वो ना के बराबर होगा। आप यूज़ करोगे ही नहीं तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं देगा, और जब किसी चीज़ को कोई खरीदेगा ही नहीं तो पीछे से आनी बंद हो जाएगी, उसकी बनना ही वो बंद हो जाएगा। तो उसके अलावा एक बोलते हैं ना एक जागरूक नागरिक की तरह हमको 4 R के प्रिंसिपल पता होना चाहिए, यानी रिड्यूस, रियूज, ठीक है, रिसाइकल, और क्या है, रिकवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि हमें अपने ही अंदर ऐसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए जिससे हम एनवायरनमेंट को काफ़ी अमाउंट में सेव कर सके। ये हमारी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि सरकार कोई नियम निकालेगी फिर हम सोचेंगे कि अच्छा ये फॉलो करना चाहिए, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर हमें साफ ऑक्सीजन चाहिए, साफ पानी चाहिए, तो हमको खुद से एक कदम आगे रह के जो है वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो तब तक रिवाइज करिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।